हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा है क्योंकि आज का व्लॉग पूजा और मम्मी ने बनाया खुद, और दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। आप जरूर देखें क्योंकि वीडियो उन्होंने आज बहुत अच्छी बनाई है। आज बोल रहे थे कि आज पूरा दिन हमने काम किया है लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा और सिर्फ अपने काम में लगे रहे हैं और दिन का सारे कार्य आज मम्मी ने अपने व्लॉग में शाम के टाइम बताया है। जरूर सुने जो भी उन्होंने काम किया है लेकिन वीडियो नहीं बनाई, बोल रही थी इतना टाइम नहीं लगा कि बना सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले साफ़ सफाई से, गाय के नीचे साफ़ सफाई, और फिर मम्मी और पूजा की वीडियो आप देख सकते हैं दोनों की बात। कितने जोर के कंटे से पड़ा। वो गंगो मेरे सिर को चाट रही थी तो उसके दांतों के कंटे से लगे हैं। चल देखा रखती। और पूजा गंगा को रोटी देने के लिए आया है। गंगा को शाम सफाई तो करनी होती है लेकिन शाम के टाइम ज़्यादा सफाई करनी होती है क्योंकि दिन में तो दो चार फेरी साफ़ सफाई अपने आप कर देते हैं जब देखते हैं, लेकिन रात को कोई उठ नहीं पाता और साफ सफाई शाम के टाइम ज़्यादा करनी होती है तो इसलिए मैंने सफाई कर दी। और नीचे सुखाई बहुत अच्छे से करना होता है। कोई तो सुखा इसके नीचे था लेकिन मैं थोड़ा भूस लिया था भूसा, और उसके बाद भूसा गंगा के नीचे और गंगा के नीचे डाल दिया था जिससे कि आराम से लौट सके, आराम कर सके। वही गंगा की चादर है जिसके ऊपर उड़ानी है, वो देख सकते हैं। मैंने इसकी चादर उड़ा दिया है, उसके बाद फिर बांध दिया क्योंकि रात को उतर जाती है इसलिए बांधनी पड़ती है, और दिन में तो एक दो जना देख लेता है आता जाता कि चादर तो नहीं गिरी गंगा की। और दिन में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती चादर की क्योंकि थोड़ी धूप भी निकल जाती है तो उस टाइम पर चादर उतार देते हैं इसकी। और देखिए गंगा बिस्तर लगता था उसका, आराम से लेट गई है देख सकते हैं आप। उसके नीचे सफाई भी हो चुकी थी और उसके चादर भी उड़ा दी थी उसकी, और आराम से कितने आराम से बैठ गई है। उसको पता लग गया था कि मेरे नीचे सफाई हो चुकी है, सूखा हो चुका है और मुझे चादर भी उड़ा दी है, इस जो मुझे आराम करना है बस, तो इसलिए आराम करने के लिए गंगा लेट गई है। और ये गंगू का जो बोरी है गंगू के ऊपर बोरी उड़ा देते हैं और उसके बाद पल बनने गिर दिया है जिससे ठंडी हवा ना जा सके, और अच्छे तरह से इसे दबा दिया है। और इधर उनकी देख सकते हैं ऊपर से मेज उतारी है इसने, और ऊपर मेज जा रही थी, कुछ मेहमान आए थे कल तो इसलिए मेज ऊपर चढ़ाई थी खाना खाने के लिए। उन मेहमानों को आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे। तो ये टीवी की मेज है और उसके ऊपर टीवी रखा जाएगा। वो देखिए पूजा ने सही कपड़ा बिछा दिया है और उनकी टीवी उठा के लिया है। पूजा कर रही है टीवी की सफाई, जो धूल बैठी थी धूल पहुँच रही है। टीवी है हमारा बहुत पुराना हो चुका है और ये सेटअप बॉक्स धर रही है इसके ऊपर, फिर डिश चलाते हैं हम, इसका रिचार्ज भी नहीं कराना होता है और सब चैनल इस पर मिलते हैं और ज़्यादा तक न्यूज देखने को मिलती है। और मैंने टीवी के तार लगा दिए थे, आप देख सकते हैं टीवी की लाइट जल चुकी है और वो सेटअप बॉक्स की भी। दूध गर्म हो चुका है तो मम्मी ठंडा कर रही है इसे, और पूजा पीछे बैठी है। आज मेहंदी लगाई है बालों पर देख सकते हैं आप, सिंपल मेहंदी है, एलोवेरा लगाकर मेहंदी लगाई है। और पापा जी ऊपर सो गए आज, आज थके हुए थे जब, तो ऊपर आराम कर रहे हैं और उन्हें पड़ के नींद आ गई तो इसलिए आज उनका दूध ऊपर ही जाएगा। और किचन तो हमारा ऊपर ही है लेकिन मम्मी दूध नहीं चली आई थी, तो देखिए मम्मी दूध वाले है तो पूजा के लिए और मेरे लिए। अंकित और गगन बाहर हो गए हैं, वे इस टाइम बाहर ही चले जाते हैं घूमने के लिए शाम के टाइम खाना खाने के बाद।
तो दूध मेरा हो चुका है और पूजा कटोरी में लेगी। पूजा बहुत कम दूध की थी, तो पूजा ने भी दूध ले लिया है। आज का व्रत भी है, क्या व्रत है? तुलसी का व्रत है यार। और मम्मी तो आज ही खोल रहा है, मम्मी ने व्रत अपना इधर देख इधर देख क्या कर रही है, वीडियो बना रहे तेरे दूध पीते सही नहीं है, बना ले बोल। मैंने मेहंदी लगाई आज मम्मी ना अलवेरा के शादी के ले ले आई मैंने मेहंदी आज। हाँ तो पता दीदी की शादी के, दीदी की शादी है। बोल किसके लिए लगाई है मेहंदी? शादी के लिए ले आई दीदी की शादी है। कि दीदी कौन? में अच्छा क्या क्या ले रहा है इसमें मेहंदी को? मैंने अलवेरा गर्म पानी से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी ने लगाई आज, वो दिन में गिल्ली हो रही थोड़ी सी, फिर ठंड नहीं लगने की? नहीं। और चुन्नी बांधने पड़ेगी इस पर। ठीक है, फिर इसका दूध होगी सुबह को? कल बूद है वैसे भी, सिर धोना। अच्छी बात है, मेरी भी मेहंदी गोली दी थी, रख दी थी क्या गोल का? अच्छी बात है भाई, मेहंदी लगाइए मेरा भी कल को। ठीक है, आज हम बहुत थक गए, बहुत काम करा हमने, एक रसोई साफ करी उसमें गुस्से भरे थे, ऊपर साफ करा, मैंने कपड़े धोए, सवेरे से बहुत काम कर दिया आज। टंकी में नाज भरा, नाज साफ करा, आटे के लिए आटा पिसवाना, और आज तो हम इतने थक लिए, आज तो हमने बिल्कुल बहुत ही काम करा, पर वीडियो का हमारा टाइम ही नहीं लगा बनाने का। वीडियो बनाने का हमारा टाइम नहीं लगा। ये मम्मी के लिए बच रही है, ये सुबह को ले आएगी मम्मी। इसमें तो और बोलना था, बोल लीजिए। और है अभी थोड़ी है ना, उसमें और लगानी है। काले बर्तन में मेहंदी लगानी चाह, घोलनी चाह, इसमें घोल कर रंग छोटा है वो के लाल। अच्छा लाल नहीं तो काला हो जा फिर, अच्छे मतलब अच्छी रचा इसमें, काला सा रंग छोड़ दे। काले बर्तन में कौन मेहंदी घोलनी चाह काले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। और सवेरे को क्या करोगे? सवेरे का काम बता, खाने में क्या बनाओगे? खाने में दाल चावल बनाएंगे सवेरे को, सुबह का मलका मसूर। अच्छा दाल चावल रोटी। और आज के खाने में क्या बनाया? बनाई तारी बनाई आज हमने, गोभी बनाई, तारी बनाई और रोटी से किया। आयुष ने अपने लिए आलू उबाल लेते, उसका रायता बनाया और हमने भी उसी आलू रायते से ही खाए, चटनी से बहुत अच्छा बन रहा था इसका रायता दही का। और सबको हमारी राम राम, छोटों को प्यार, छोटों को प्यार, बड़ों को राम राम। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम आपको, और हमारी राम राम, और बच्चों को प्यार। और मम्मी की बनाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी।